हमीरपुर इकाई परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने की। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पेंशन का स्थायी समाधान न होने पर कर्मचारियों ने सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रबंधन निर्देशन के बाद कल्याण मंच की बैठक शिमला में हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि कर्मचारियों को पेंशन 7 तारीख को दे दी जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद पेंशन 24 तारीख को मिली है। उन्होंने कहा कि कल्याण मंच के सदस्य 60 और 70 साल के हो चुके हैं, जिनके लिए परिवार का निर्वाहन करना मुश्किल हो रहा है और उनके लिए एकमात्र पेंशन ही अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेंशनरों को समय पर पेंशन दी जाए, ताकि वह अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आज परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक जो है यहाँ पर हुई है। हर महीने 7 तारीख को बैठक होती है। इस बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया और बैठक में तय किया कि जैसे पिछले महीने जनवरी माह में हमारे को पेंशन जो है 24 तारीख को दी गई, जबकि 3/11/2018 को मंडल निदेशक प्रबंध निदेशक के साथ बैठक शिमला में हमारी कल्याण मंच की हुई थी। उसमें एमडी महोदय ने कहा था कि पेंशन जो है 7 तारीख से पहले दे दी जाएगी, जबकि पिछले महीने फोन बार बार करने के बाद भी 24 तारीख को पेंशन मिली है। इस उम्र में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के जो लोग हैं, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 75 साल की उम्र को पार कर चुके हैं और उनका गुजर बसर करना जो है पेंशन के बगैर मुश्किल है, क्योंकि बीमारियों से ग्रस्त हैं, दवाई भी लेनी होती है, परिवार का निर्वाह भी करना होता है। तो हम प्रबंधन से और सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी पेंशन जो है इसका स्थायी समाधान किया जाए। जैसा कि भाजपा सरकार जब से बनी है, बनने के पहले भाजपा सरकार ने ये वादा किया था कि भाजपा की सरकार अगर प्रदेश में आती है तो हम परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के जो लोग हैं इन लोगों की पेंशन का स्थायी समाधान बजट वगैरह करेंगे, परंतु एक साल आज सरकार को बने हुए हो गया है, आज तक अभी तक कोई पेंशन का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। तो हम मांग करते हैं, एक बार पुनः इस मंच से मांग करते हैं कि सरकार हमारी पेंशन का स्थायी समाधान बजट द्वारा करे, अन्यथा जैसे कि पूर्व सरकार कांग्रेस की, जिन्होंने हमारे साथ आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं दिया, उन्होंने वो भी ऐसे 5 साल अपने पूरे करके चले गए हैं, उनके विरुद्ध जैसे परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के लोगों ने और परिवहन के कार्यरत कर्मचारियों ने उनके विरुद्ध मोर्चा खोला था, तो हम इस सरकार का साथ तभी देंगे अगर ये हमारी पेंशन का स्थायी समाधान करे। अगर समय रहते भाजपा की सरकार हिमाचल में है, सेंटर में है, अगर हमारी पेंशन का स्थायी समाधान बस द्वारा करते हैं तो हम सदैव इनके आभारी रहेंगे और सभी परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी व कार्यरत कर्मचारी जो हैं बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। समय रहते इस बजट में हमारी पेंशन का स्थायी समाधान बजट द्वारा नहीं करती है सरकार, तो जो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें हम सरकार का विरोध करेंगे।